Yes, Gaurav. Yes, ma'am. हम लोग अभी सुबह सुबह जा रहे हैं. क्या करने हैं? कल शाम को कर रहे हैं. अच्छा, हम लोग फिर से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कुछ नज़दीक से दिखता है कि नहीं. सो सुबह सुबह सफारी पे जा रहे हैं. एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द डे नेक्स्ट टू माय बर्थडे. दैट्स व्हाट इट इज. यस संग्राम, कुछ कहना है आपको ये मॉर्निंग सफारी पे? जैसे साउथ अफ्रीका ये सब में जाते हैं ना, तो वहाँ पे हंट करते हैं, जो काफ़ी गलत है. वहाँ पे लीगली है. वहाँ पे बड़ी बड़ी ये अपनी या ये पिस्टल ये सब. वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी ना, इसलिए लीगल होगा. नहीं, फिर यहाँ एक्सटेंट है इसलिए. नहीं नहीं, देखो सबको जीने का हक है. सब में जान है, बराबर है, सब कुछ है. तो देखा तो एक रेसलिंग मैच के बाद वो बोले कि वो वहाँ पर जाएंगे सफारी. मैंने कहा कि भैया मैं तो शाकाहारी इंसान हूँ, वेजिटेरियन हूँ, तो वहाँ पे आप कैसे जाएंगे? तो मैंने देखा कि वो हंट कर रहे हैं. जो दो तीन को तो मैंने भगाया शोर करके. वो चुपचाप शेर चीते को समझा सकते हो कि वेजिटेरियन रहे? देखो शेर चीता है, वो डिफरेंट है. अब कोई वो इंसान ने खाने के लिए कितनी चीज़ें बनी हैं, फल है, फ्रूट है, अनाज है. Is not from मांसाहार. Yes. ये जो शेर चीता के दांत है, ये पैदा ही ऐसे होते हैं. Yeah, from मांसाहार. That much knowledge I have. आप खा पा रहे हैं ना अपने दांतों से पास जो भी खाते हैं. But technically that is because we have evolved over the period. देखो जो 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 जीभ से पानी पीते हैं ना, वो जानवर अलग होते हैं. But technically we are not made to eat. हाँ, जीभ से पीते हैं क्योंकि वो हाथ से ग्लास नहीं उठा पाते ना. एक देखो जिसकी जो जीभ, कई कई जानवर ऐसे हैं जैसे गायें हैं, गाय जीभ से थोड़ी पिएगी. गाय थोड़ी मग उठाती है हाथ से. लॉजिक समझ गौरव. गौरव यू आर ओके इफ यू वांट टू ईट नॉनवेज, इट्स परफेक्टली फाइन. बट वी ह्यूमन बीइंग्स, इफ यू आर सपोज टू बी ईटिंग नॉनवेज, हमको वो दांत दिए गए होते जो शेर और उसके होते हैं. हाँ, लोग पहले रॉ खाते हैं तो इसलिए उनको वैसे दांत चाहिए. रॉ खाते हैं मेनका गांधी जी ने. पीएफए पता कैसे स्टार्ट किया था? कि वो पहले नॉन वेज खाते, फिर शाम को जैसे जानवरों को इनको प्यार करते, वो डॉग पेट को, डॉग को, इन सबको. तो फिर एक दिन उनका जन्मदिन था, तो संजय जी ने बोला, जो संजय गांधी जी ने, कि भैया तुम कैसे मतलब एनिमल लवर हो, या तो तुम एग खाते हो, नॉन वेज खाते हो, फिर तुम यो करते हो. तो उस दिन उनको रियलाइज़ हुआ कि हाँ बात तो सही कह रहे हैं. तो उस दिन से उन्होंने छोड़ दिया. और फिर उनके जन्मदिन पे प्रीतिश नंदी हैं, दो तीन जो उनके वो जानने वाले थे, उनमें एक शायद अनुपम खेर साहब भी थे, तो उन्होंने एक पीएफए बना के उनको उनका बर्थडे गिफ्ट दिया था. ये मेनका गांधी मैम ने मुझे खुद बताया था. तो क्या है कि तब से पीएफए इतना नॉर्मली था, वो पीएफए इतना बड़ा हो गया कि वो ढेर सारे एनिमल का इन सबको प्रोटेक्ट करता है, पीपल फॉर एनिमल. फिर उसकी ब्रांचेस धीरे 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 अब तो ऐसा है कि अगर मैम को पता चल गया ना कि उसने किसी को एनिमल को हार्म पहुंचाया है, चाहे वो करे या ना करे, उनको वो अंदर जरूर पहुंचाएंगे. और ये पैशन, ये जुनून जब मैंने देखा ना उनका पहली बार, तो मैं तब से फिर उनके साथ एसोसिएट हुआ कि वो मतलब आउट ऑफ द वे जाते हैं. हर चाहे वो कैट हो, चाहे वो डॉग हो, कोई भी एनिमल हो, उनको सिर्फ एक फ़ोन कर दो आप आधी रात को. एक खास बात ये देखी मैंने उनकी, उनको एक बजे ही फ़ोन करो और ये बोलो ये चीज़ है, तो वो फौरन रिस्पॉन्ड करते हैं, रिप्लाई करते हैं वो करके. तो तब से मैंने देखा कि कुछ जैन, देखो पीटा से भी मैं जुड़ा, मगर पीटा से मोर जेन्युइन पीएफए है. पीटा बारवाल की संस्था, पीटा क्या है कि पब्लिसिटी करने में, इस करने में थोड़ा ज़्यादा बिलीव करते हैं, करते होंगे अच्छा, वो भी नहीं कह रहा कि नहीं करते, मगर वो थोड़ा सा एक्टरों को, जैसे मेरे साथ उन्होंने एक शूट सा करवाया, ये बाकी करवाया, ये कुछ पत्ते के साथ, ये सब उसके साथ, वो थोड़ा ज़्यादा पब्लिसिटी में रहते हैं. जो मैडम ये सब करते हैं, वो थोड़ा जेनरली करते हैं, अच्छी तरीके से करते हैं, दिल से करते हैं. ओके संग्राम, हम अभी पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं. शैलेश्वर जी, कौन सी पहाड़ी है? कामेश्वर पहाड़ी है मैम. Okay. और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट पूरा ऑफ रोड ट्रैक है. यहाँ पूरी फोर व्हील ड्राइव में इस पूरे हिल के ऊपर गाड़ी चढ़ानी पड़ेगी. ओके,
काफ़ी थ्रिलिंग ड्राइव है. सो वी आर एक्साइटेड टू गो देयर. नाउ रास्ते में हम हैं. रास्ता देखो एक बार. रास्ता देखना पड़ेगा इसलिए अभी ये बंद होगा रिकॉर्डिंग, क्योंकि अभी बहुत सारे थॉर्न वाले पत्ते बाहर आ चुके हैं. तो अभी हम ऑब्वियसली चढ़ाई कर रहे हैं टूवर्ड्स द माउंटेन. वी आर इन, ओह माय गॉड, हम पहुंच चुके हैं एंड दिस इज द लोकेशन दैट वी आर देयर. संग्राम, यू वांट टू से हेलो लाइक नॉर्मली. मैं एक लाइव वीडियो बनाता हूँ, ये इन द कैमरा. यहाँ नेटवर्क भी अच्छा है. हाँ, एक बार मेरा फोन देना पायल, वॉशरूम कर लेता हूँ एक बार पहले तो. अभी हम हिल्स के ऊपर पहुंच गए हैं, मतलब सेमी लेवल पे, बिकॉज हमें जाना है उस हिल्स के टॉप पर. एंड अब हम यहाँ पर पार्क करके ऑब्वियसली थोड़ा वीडियोस बना रहे हैं. दैट इज़ द सनराइज, दैट इज़ माय ब्रदर. आज ये भी जल्दी उठ गए. एंड दैट इज़ द व्यू यू कैन सी फ्रॉम वेयर वी हैव स्टॉप्ड. दैट इज़ संग्राम डूइंग हिज लाइव. These are the people who have got me here, so I'll go and talk to them soon. ये मैं हूँ यहाँ पर. ये मेरा भाई पीछे पता नहीं क्या गाने गा रहा है. हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं. We are taking a rest to make videos. ये recorded videos है. Recorded है? It's not live. It's not live. Live is already done. Call me when it was live. Okay, I'll do one more live with you. No, it's fine. It's fine? Yeah. You can use my footage and recorded videos. Oh my God, what kind of conversations I end up having. तो हमें अभी उस पहाड़ की चोटी पर जाना है. कैसे? गाड़ी से. उड़के जाना है? हाँ? उड़के जाना है? उड़के जाना है? नहीं. अभी मैं आपसे बात करती हूँ. तो आप हैं शैलेश्वर जी? जी मैम. जी, तो आप मुझे बताएंगे इस पहाड़ के बारे में? ये मैम ओल्ड टेंपल है यहाँ शिव जी का, इस हिल के टॉप पे. ओके. और कामबेश्वर हिल है इसका नाम. ओके. और यहाँ पे आपको इस एरिया में पूरी जो जितनी भी वाइल्ड लाइफ है सब यहाँ मिलेगी. जैसे इंडियन स्लॉथ बेयर है, इंडियन स्ट्राइप्ड हाइना है. ये सब हम देखेंगे? जी मैम, अब यही इसी के लिए वेट कर रहे हैं कुछ, क्योंकि कल शाम को तो हमको बहुत दूर से कुछ दिखा. नहीं मैम, आज होप है कुछ थोड़ा सा अच्छा लक हो और पास से साइटिंग होगी. होगी जी मैम. ठीक है, साइटिंग भी होगी. हाँ, हम दूसरे लोकेशन जाएंगे, कहीं से भी हो सकती है. दैट इज दिलीप जी, ही इज अ ब्रांड एंबेसडर फॉर माउंट आबू. माउंट आबू. ओह माय गॉड, दैट इज कवलजीत सिंह. सॉरी, ओके. मैं धीरज माली. ओके. राजवीर सिंह. ओके. These are the people who are obviously helping us to see the spotting. That is Sangram. Hello Payal, please pakana chhod do ab. And that is my chai. So now I'm going to cut the recording. ये हम कल वाले spot पर आए हैं. अभी हम वापस जा रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू सी इफ यू कैन सी समथिंग ऑन द वे बैक. जी हाँ, हम लोग स्पॉटिंग करने का कोशिश कर रहे हैं ऑन द वे बैक. आप देख सकते हैं हमने कैमरा में स्पॉटिंग करी है लेपर्ड के कब्स की. ये आ रहे हैं एंड ये स्पॉटिंग करी है. अब अंदर चले गए. मूवमेंट ये वो चढ़िया है बहुत सारी. इसके लेफ्ट ये रॉक ना, लेफ्ट वाला. हाँ, पहली रॉक है ना, ये दो है ना अभी तेरने देख रहे हैं. ये वो रॉक है सामने जिसका क्लोज अप में हमने देखा. वो आया ऊपर, आया देखो, देखो दे आ गया. दे 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 बच्चे, दे दे, दोनों आ गए ऊपर. वो आए, देखो वो सामने दो आए, दो आए. आप देख सकते हैं कैमरा के अंदर. ए
एक पॉइंट बताओ ना, एक बार जूम करके कौन सा पॉइंट है ये पॉइंट है गुरु, देखो सामने गुफा ना ये पोल खड़ा है ना इलेक्ट्रिसिटी का, इसके राइट में आएंगे तो जो पहली रॉक दिख रही है ना, काला काला छेद है ना, वहीं पे बैठा है नीचे की उतरी हुई है जड़िया में, इस तरफ देख रहे हैं ना, ये आवाज दे रहा है। तीन बच्चे आ गए, तीन तीनों बच्चे आ गए, तीनों बच्चे आ गए। चलो ये बात तो है, जंगल में लेपर्ड तो है, लेपर्ड आज एक्चुअली में क्या दो दिन से ये यहीं पे रह रहा है, ये अब अपने वो लक की भी बात होती है कि अपन को तीन लेपर्ड तो दो इधर खड़े हैं, ये देखो ये ऊपर जाएगा ना सर, देखना ऊपर ओपन में आएगा, ऊपर में माँ ऊपर तो नहीं बैठी, एक बार अविरका जी ऊपर बैनो कलर फेरा जी, माँ ऊपर तो नहीं बैठी क्या अविरका जी, तो हमने फाइनली लेपर्ड को स्पॉट कर दिया, कब्स को स्पॉट कर दिया, एंड वी हैव फुटेज फॉर दैट आल्सो, तो हम लोग झूठ नहीं बोल रहे, हमने एक्चुअली लेपर्ड की स्पॉटिंग की।